अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने जब से जिम नहीं करी है, तो बॉडी देख सकते हो आप, ये बाइसेप्स का शेप आ रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ कि मेरी बॉडी से फैट परसेंटेज बढ़ गया है और मसल्स डिक्रीज हो गई है, तो अब इस पर काम करना मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं आज फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, मतलब मैंने अराउंड 1.5 से 2 महीने से ना कोई डाइट ली है और ना मैंने खुद को ट्रेन किया है, मतलब ऐसा जिम में जाके मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया है। तो बॉडी कंडीशन आपके सामने है, वो आप देख रहे हो, ये जो बॉडी कंडीशन है, थोड़ी बहुत मसल्स है अभी भी, बस ये है कि बाकी जो मसल साइज था वो अपना काम हो गया, वो फैट में कन्वर्ट ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं आज घर पे ही थोड़ा बहुत मतलब रूटीन में आने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर मैं कल से ऑफिशियली जिम ज्वाइन कर लूँगा। तो तब से रेगुलर मैं अपनी वीडियोस बनाते रहूँगा, क्या आज मैं क्या लगा रहा हूँ और फिर कितने दिन में मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका आपको पूरा आइडिया दूँगा, और खाने में क्या खाऊँगा वो भी सब बता दूँगा आपको। लेकिन मतलब मैं आ गया हूँ अपने घर से एज अ जॉब पर्पज़ के लिए, तो मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, तो कंपनी वालों की तरफ से भी कुछ खाने का अरेंजमेंट रहता है, तो वो भी यदि मुझे खाना रहेगा, हाँ आई थिंक 1 मील तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर में उनका खाना आता है, तो मुझे वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं अरेंजमेंट बनाने के लिए। तो देखते हैं, बाकी मैं मेरा प्रोटीन वोटीन भी बंद हो चुका है और जो भी मल्टी विटामिन्स ये सब अभी मतलब ऑलमोस्ट सब बंद है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाइट मैं ऑलरेडी डाइट मेरी ऑलरेडी मतलब बोल सकते हैं ना फिनिश हो चुकी है। तो अब मैं आपको क्या डेली मतलब मैं क्या वर्कआउट कर रहा हूँ और कैसे क्या मैं अपनी बॉडी दोबारा उसी स्टेज पे लेके आऊँगा, तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और मेरा बॉडी फैट अराउंड 8-10% पे लेके आ जाऊँगा मैं, अभी तो 20-25 लग रहा है मुझे, और 8-10 नहीं तो 12-15 तो लेके ही आ ही जाऊँगा, मतलब जिस पर मुझे रहना है। मुझे कोई स्टेज तो कॉम्पीट नहीं करना, बस एक है कि मुझे बस फिट रखना है, खुद को वो करना है और मसल साइज़ अपन को बढ़ा के रखना है, सिंपल सी कहानी है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज मैं क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मतलब तो जैसे एक जो इंटरमीडिएट प्लेयर रहता है वो क्या कर देता है, बीच में जिम छोड़ देता है, तो दोबारा वो जिम ज्वाइन करता है। तो दोबारा जिम ज्वाइन के बाद क्या रहता है कि वो दोबारा से शेड्यूल में कैसे आए, तो उसके लिए मैं आज संडे है तो मैं आज घर पे ही एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ। वो क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ आपको बताता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। फिर मैं कल जब जिम जाऊँगा, जिनकी मुझे मेम्बरशिप लेनी रहेगी यहाँ पे गिफ्ट सिटी गुजरात में, तो वो फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर जिम न्यूट्रिशन, मतलब अपनी डाइट की पूरी प्लानिंग कर लेंगे, कहाँ से क्या लेना है क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन आगे के डाइट प्लान पे फॉलो करेंगे और अपनी बॉडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी, फिर अगले मिलते हैं अभी एक्सरसाइज के बाद कि एक्सरसाइज में मैं क्या क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। और बॉडी कंडीशन ऑलमोस्ट मतलब सिमेट्रिक, मतलब एक तरीके से ख़त्म, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ है नहीं, बस हाँ ये बाइसेप्स अभी भी थोड़े शेप में है, और ये तो देख रहा है ये शोल्डर तो हमेशा ही रहते हैं, पता नहीं क्यों मैंने क्या कर रखा है इनके साथ, मुझे नहीं पता। एस मैप्स भी बनाएंगे अपन, सब करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं पुशअप्स, पुशअप्स मार रहे हैं। मेरे पास यहाँ चेयर पड़ी हुई है तो मैं चेयर का सहारा लेके पुशअप्स लगा रहा हूँ। ओके, तो
अभी मैंने मारी है 25 पुशअप्स। हो और मुझे 25 पुशअप्स में ही हालत ख़राब हो रही है। तो देखते हैं बॉस कि कैसा क्या रहता है अपना दोबारा उसी स्टेज पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। मुझे लग रहा है उसी स्टेज पे आने के लिए अराउंड 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ की रिक्वायरमेंट है उस स्टेज पे आने के लिए। बाकी बॉडी में पंपअप आ गया है, हाँ 25 पुशअप्स में पंपअप आ गया है। ओके अगला सेट मारते हैं दोबारा और फिर बताता हूँ आपको। सेकंड डम में मैंने 15 पुशअप्स मारे हैं। ओके और अब देखते हैं कि अगले डम में कितनी और पुशअप्स लगती हैं मुझसे, क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं ज़्यादा मतलब एक तरीके से मैं ज़्यादा पुशअप्स भी नहीं मारना चाहता क्योंकि उसके कल बॉडी में थोड़ा बहुत पेन होता है। मतलब नॉर्मल पुशअप्स करना चाहता हूँ जिससे क्या बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाए और अपन कल के लिए जिम के लिए रेडी हो जाए। तो कल का सीन ये है कि बस आपको क्या करना है, कल जिम में जाना है और जिम में भी मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अराउंड 30 to 45 मिनट ही अपन जिम करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन इसे इंक्रीज करते जाएंगे और 2 से मिनिमम 2 घंटे तक ले आएंगे। फिर आता है मज़ा बॉडी बनाने का, रियल मज़ा वही रहता है। बस लास्ट सेट और मार लूँ मैं पुशअप्स का, फिर मिलते हैं। ओके 15 पुशअप्स हो गई हैं, थर्ड टाइम है। मैं मार तो और भी सकता हूँ लेकिन कोई सेंस नहीं निकलेगा उस चीज़ का, तो इसलिए मैं और पुशअप्स नहीं मार रहा हूँ। अब मैं थोड़ी बहुत लेग की एक्सरसाइज लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लेंगे और इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे, यानी कि कल के लिए अपन रेडी हो जाएंगे। बॉडी का पंपअप देख रहा, मुझे कैमरा मैन की ज़रूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से आपको पोजिंग देनी रहती है तो आपको एक कैमरा मैन चाहिए, फिर एक एडिटर चाहिए जो आपकी वीडियो को एडिट कर सके और नेक्स्ट लेवल पे बना सके उसकी। मतलब ऑलमोस्ट आजकल गेम एडिटिंग का ही है कि किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। और एडिटिंग के ही दम पे जैसे VFX आजकल बहुत बहुत चल रहा है, तो वो सब एडिटिंग का ही कमाल रहता है, जिसके दम पे आप देखते होंगे हीरो लोगों का फ़ोटोशूट होता है 2-5 मिनट की वीडियो के लिए, लेकिन उसमें वो अराउंड 1.5 से मतलब सुबह से शाम इवनिंग कर देते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, केवल 2 से 5 मिनट की वीडियो के लिए। कभी कभी तो वो 5-7 दिन लेते हैं एक ही फ़ोटोशूट करने के लिए। तो ये है कि जैसे आप मोबाइल के थ्रू व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर कोई भी GoPro लेके कर रहा हो, तो आपको अगर उसमें एडिटिंग नहीं करोगे तब तक आपका कंटेंट चलना नहीं है तो क्लियर है, मुझे भी पता है। तो मुझे अपने जो इक्विपमेंट है उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, उस पर भी काम करेंगे। अब मैं थोड़ी लेग एक्सरसाइज और लगा लेता हूँ, वो भी परफॉर्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये माइंड मत करना, ये मेरे ही कपड़े पड़े हैं।
एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब कभी भी आप लेग एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो फर्स्ट, यदि आपका इनिशियली फर्स्ट और सेकंड डेज है तो आपको क्या करना है, लेग एक्सरसाइज ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि ये कल आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि कल आप शायद जहाँ पे बैठो वहाँ बैठ ना पाओ उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे बैठना चाहिए। दूसरी बात है, आप स्टेयर्स जैसे जीने चढ़ते हैं वो चढ़ नहीं पाओ, तो लेग एक्सरसाइज उतनी ही करें। अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटिन्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे ब्लॉग मतलब मेरी जिम की प्रोग्रेस से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्लियरली पता लग जाए कि कब क्या मेरी बॉडी की कंडीशनिंग हो गई है। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा, आप मेरी वीडियो से टच में रहेंगे और मैं भी आपके साथ टच में बना रहूँगा। मैं सबको टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करूँगा यदि कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे बारे में तो। ओके, थैंक यू।